नमस्कार, मैं अमर हल्दीपुर। श्याम जी के बारे में कहना है, श्याम एडवेंकर जिन्हें मैं शायद उनके बारे में मैं गए 40 साल से सुनते आ रहा हूँ। ये स्टेज पे उस वक्त भी इतने पॉपुलर थे कि हमारे म्यूजिशियंस बोलते, तूने कभी श्याम को सुना है क्या बजाते हुए? मैंने, मैं तो इंडस्ट्री में हूँ। फिर एक बार जब उनको मैंने देखा, आई सॉ हिज पैशन व्हेन ही वाज वर्किंग। एक म्यूजिशियन का पैशन ही सब कुछ होता है। बाकी दूसरी बात यह है कि मैंने देखा है म्यूजिशियंस को अपना आर्ट अपने तरफ छुपा के रख लेते हैं, बताते नहीं हम क्या कर रहे हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस मैन इज कि ये अपना आर्ट लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तबला, तो लोगों ने तबले ऐसा ही यूज़ किया हमेशा, उसको और क्या रंग दे सकते हैं उस कैरेक्टर को, उस इंस्ट्रूमेंट को। तो मुझे लग रहा है कि अभी श्याम जी एक कुछ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो मेरे बेस्ट विशेज हैं उनको कि ये आप इस आर्ट को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरे बेस्ट विशेज हैं इनको कि जैसे आप बजा रहे वैसे लोगों को भी बजाने को होना चाहिए। मैं कहूँगा कि श्याम जी, ऑल माई बेस्ट विशेज टू यू इन दिस वर्क दैट यू आर डूइंग। ये जो आप काम, नेक काम जो करने चाह रहे हैं, आपका पैशन मैं देख के मैं खुद खुश हुआ हूँ कि जिस पैशन से आप बजाते हो, जब भी श्याम जी बजाते हैं बहुत मज़ा आता है। द काइंड ऑफ प्लेइंग दैट ही इज़ गॉट, इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है। बजाते तो सभी लोग हैं, मगर उसमें अलग क्या है, वो अलग देखने के लिए आपको श्याम जी को सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा श्याम एडवेंकर क्या अलग बजाते हैं। थैंक यू।